हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट एक्सेलेरेशन, एवरेज एक्सेलेरेशन एंड काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन अबाउट एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलेरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कहलाता है। तो एक्सेलेरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, ए बराबर चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी है और चेंज इन टाइम कितना है आपका डेल्टा टी है। इफ़ इन ए गिवन टाइम इंटरवल टी है द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंज फ्रॉम यू टू वी, मतलब इनिशियल से फाइनल में चेंज हो रही है, देन एक्सेलेरेशन ए इज एक्सप्रेस्ड। जब हम एक्सेलेरेशन को एक्सप्रेस करेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपकी यू है, फाइनल वेलोसिटी आपकी वी है, ठीक है। तो टाइम इंटरवल कितना हो गया आपका टी हो गया। तो ए बराबर हो गया आपका तो वी माइनस ए बराबर आपका हुआ वी माइनस यू अपॉन टी। तो इसे हम एक्सेलेरेशन बोलते हैं। तो ए बराबर होता है वी माइनस यू अपॉन टी। जो ऐसा यूनिट होती है एक्सेलेरेशन की वो आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और ये कैसी क्वांटिटी है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। एवरेज एक्सेलेरेशन की हम बात करते हैं। एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होता है, द एवरेज एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। जब वैल्यू आपको कॉन्स्टेंट हो रही है, ठीक है, कॉन्स्टेंट आपकी वैल्यू हो रही है तब हम एवरेज एक्सेलेरेशन की बात करते हैं, और कुछ ना कुछ आपका टाइम इंटरवल है, ठीक है। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नोट एट टी बराबर जीरो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल जो टाइम है टी बराबर जीरो पर जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो आपकी वी नोट है, एंड वी इट एट टाइम टी, और जो कुछ वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है वो आपकी वी है टाइम टी में। तो वी गेट ए बार बराबर वी माइनस वी नोट अपॉन टी माइनस जीरो। तो इसे आपने क्या कहा, वी क्या है फाइनल वेलोसिटी है, वी नोट आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, टी क्या फाइनल टाइम है और जीरो आपका इनिशियल टाइम है, ठीक है। तो हम एवरेज की यहाँ पर हमने बात करी, तो इज द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलेरेशन जो हो रहा है आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी एक इक्वेशन बन रही है। तो ए बार जो है आपका एवरेज है, लेकिन हम टोटल एवरेज को हम टोटल की बात करेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से एक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, वी बराबर वी नॉट प्लस ए टी, और इसी इक्वेशन को हम काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वी बराबर वी नॉट प्लस ए टी। इसके बाद मैंने कुछ आपके ग्राफ प्लॉट किए हैं। तो इसमें ग्राफ में आपको पोजिशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट है, और इसमें मैंने दर्शाया है कि पॉजिटिव एक्सेलेरेशन ग्राफ कौन सा शो कर रहा है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन ग्राफ कौन सा शो कर रहा है, और जीरो एक्सेलेरेशन आपका कब है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर जैसे ग्राफ आपका ऊपर की ओर जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, ऊपर की ओर। यहाँ से पहले तो आपका ऊपर, फिर नीचे डिके करा, फिर आपका ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव एक्सेलेरेशन होगा, इज़ अ पॉजिटिव, और यहाँ पर डिके कर रहा है ग्राफ, नीचे की ओर आ रहा है, तो इज़ अ नेगेटिव एक्सेलेरेशन है। और यहाँ पर आप देख रहे हो यूनिफॉर्मली है, तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन आपका जीरो होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की हम बात करते हैं, तो एक्सेलेरेशन आपका जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो एक्सेलेरेशन आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जीरो हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, काइनेमेटिक्स इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन। तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेशन के लिए, क्या होती है बेसिकली थ्री इक्वेशन है, वी बराबर यू प्लस ए टी, और थर्ड सेकेंड इक्वेशन है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है आपकी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये काइनेमेटिक्स के थ्री इक्वेशंस कहलाती हैं। तो यहाँ पर हम वही चीज़ हम डिस्कशन करेंगे, वो तीनों इक्वेशन किस तरीके से हम प्रूव करते हैं काइनेमेटिक्स के माध्यम से। तो फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन द डिस्प्लेसमेंट आपका एक्स लेके चल रहे हैं यहाँ पर, टाइम टेकन आपका टी है, और इनिशियल वेलोसिटी आपकी वी नॉट है, और फाइनल वेलोसिटी आपकी वी है, एंड एक्सेलेरेशन ए है। तो अब यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, रिलेशन निकालेंगे इनिशियल फाइनल वेलोसिटी के बीच में जब बॉडी आपकी मूव कर रही है। तो वी ऑब्टेन गिवन ए रिलेशन बिटवीन फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी आपकी वी है और इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद
यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ए, तो वी बराबर आपका आएगा वी नॉट प्लस ए टी। दिस इज आपको इक्वेशन नंबर वन होगी आपकी। तो यहाँ से हमें पता लगा जो आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन आती है काइनेटिक्स की, वो आपकी है वी बराबर वी नॉट प्लस ए टी। अब यहाँ पर मैंने काइनेटिक्स के माध्यम से एक यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, इसे प्लॉट किया है, ये कर्व है आपका, और इस कर्व के माध्यम से हम प्रूव करेंगे काइनेटिक्स की सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर पॉइंट आपका ओ है, ओ पर इनिशियल टाइम आपका जीरो है, और आपका जैसे टाइम चेंज हुआ है रेस्पेक्ट में, ठीक है, टाइम चेंज हो रहा है, तो डी पोजीशन पर कुछ ना कुछ आपका टाइम होगा, और यहाँ पर आपकी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है और फाइनल वेलोसिटी आपकी वी है, तो ये क्या कहलाएगा कि वी नॉट माइनस वी माइनस वी नॉट कहलाएगी, दिस दिस डिस्टेंस, इस तरीके से, ठीक है। तो हम यही अब निकालेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे, जो आपका यहाँ एरिया किसका है ट्रायंगल का, और साथ में आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, ठीक है। तो एरिया अंडर द इस कर्व, द एरिया बिटवीन द इंस्टेंट ओ ओ एंड टी, ओ और टी के बीच में आपको जो एरिया है आप निकालोगे, तो एरिया बिटवीन इंस्टेंट ओ एंड टी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज द ए बी सी, और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ओ ए सी डी, आपका एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हो गया। तो देयर फोर द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है आपका एक्स हो रहा है, मतलब आपकी पोजीशन जो चेंज हो रही है वो आपकी एक्स है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्रायंगल की, ट्रायंगल का क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है, तो 1/2 हो गया, और बेस आपका बेस, दिस इज द बेस, ठीक है, बेस आपका टी हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो आपका टी है, और हाइट कितनी होगी वी माइनस वी नॉट होगी, तो ये आपने वैल्यू यहाँ पुट कर दी। और इसी तरीके से हम रेक्टेंगल की बात करेंगे, लेंथ रेक्टेंगल लेंथ इन टू विड्थ, तो लेंथ आपकी ये हो गई और बिड्थ आप ये कह सकते हो, तो लेंथ आपकी ज़रा टी मान के चलो तो बिड्थ आपकी वी नॉट हो जाएगी, ठीक है। और आप क्या जानते हो, आप जानते हो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से अगर वी नॉट को आप इधर लिया तो वी माइनस वी नॉट इक्वल हो जाएगा ए टी के, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, वी माइनस वी नॉट की जगह ए टी पुट कर देंगे, तो देयर फोर एक्स बराबर जब हम वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ए टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस वी नॉट टी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन आ रही है वो आपकी इक्वेशन एक्स बराबर वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन आपकी काइनेमेटिक्स की सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। तो एक्स बराबर वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वी नॉट की जगह हम यू वी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट लेके चल रहे हैं, तो आपकी इक्वेशन एक्स बराबर वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगी। अब हम इक्वेशन वन को क्या लिख सकते हैं, जो आपकी इक्वेशन नंबर वन है, तो हम यहाँ ब्रैकेट आपका ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो टी की मल्टीप्लाई और वी की मल्टीप्लाई हाफ वी टी आएगा आपका, इज द हाफ वी टी माइनस हाफ वी नॉट टी प्लस वी नॉट टी, ये आपका आ जाएगा, और ये माइनस के टर्म्स है, ये आपके प्लस के टर्म्स है, तो हाफ आ जाएगा, तो 1/2 वी नॉट टी। अब यहाँ से हम 1/2 भी कॉमन निकल सकता है, टी वी, तो वी प्लस वी नॉट 2 इंटू टी, तो वी प्लस वी नॉट 2 ही क्या है, एक एवरेज है, ठीक है, जो वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बी बार लिख सकते हैं, तो बी बार टी क्वेश्चन नंबर 2 आ गए यहाँ से, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी बार वी नॉट प्लस वी प्लस वी नॉट 2, ये कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए ओनली होगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन आपका कॉन्स्टेंट है, तभी आपका ऐसा हो सकता है जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अब क्या कार्य करोगे, इक्वेशन जो आपकी वन थी, इक्वेशन थी आपकी वी बराबर वी नॉट प्लस ए टी, तो वहाँ से आपका क्या कार्य करोगे, तो वहाँ से हम टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 में आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे टी की, तो टी बराबर आ जाएगा वी माइनस वी नॉट अपॉन ए, ठीक है, तो ये वैल्यू आप पुट करोगे, और यहाँ से बी बार की जो वैल्यू है वी प्लस वी नॉट अपॉन 2, तो ये वैल्यू आप पुट कर दो, दोनों वैल्यू यहाँ पर आप पुट करोगे तो बी बार की वैल्यू वी प्लस वी नॉट अपॉन 2 आ जाएगी, और टी की वैल्यू कितनी है वी माइनस वी नॉट अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर वी स्क्वायर और बीच में सिंबल माइनस का हो जाएगा माइनस वी नॉट स्क्वायर, क्योंकि ये क्या फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी का, और साथ अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा, 2a की मल्टीप्लाई x से कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2ax v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हो, आप यहाँ पर v नॉट स्क्वायर को आप इस साइड लेके जाओगे तो ये आपका प्लस का हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर v नॉट स्क्वायर प्लस 2ax, क्योंकि यहाँ पर जो v नॉट है वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, x क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, और v आपकी फाइनल वेलोसिटी है। तो दस वी हैव ऑब्टेन थ्री इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जो आपकी इक्वेशन आ रही है वो काइनेमेटिक्स की वो कौन कौन सी हैं, वी बराबर वी नॉट प्लस ए टी, एक्स बराबर वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, ठीक है।
तो दीज आर द काइनेमेटिक्स इक्वेशन फॉर द रेक्टिलिनियर मोशन फॉर द कॉन्स्टेंट एक्सीलेशन के लिए हैं, और दीज इक्वेशन आर मॉडिफाई, हम इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रिप्लेस्ड एक्स वाई एक्स बाई एक्स माइनस एक्स नोट टू। अभी हमने क्या किया, x की जगह हमने चेंज किया x माइनस एक्स नोट है, ठीक है, मतलब इनिशियल पोजीशन आपकी x नोट और फाइनल आपकी x है, तो आपकी थोड़ी सी आपकी इक्वेशन थोड़ी चेंज होगी, वो इक्वेशन क्या होगी, v इज इक्वल टू वी नोट प्लस ए टी, ये तो आपकी एज इट इज़ रहेगी क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x की जगह क्या जाएगा x माइनस एक्स नोट, तो x नोट को आप इधर ले जाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो आपकी थर्ड इक्वेशन बनेगी आपकी वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नोट स्क्वायर टू ए और x की जगह x माइनस एक्स नोट, तो हम इस तरीके से मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं क्योंकि इनिशियल पोजिशन आपकी जीरो है लेकिन एक्स नोट लेके चल रहे हो, फाइनल आपकी x है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।